कासगंज नगर में 25 बाइक सवार लोगों ने मुस्लिम आबादी वाले इलाके में जाकर नारेबाजी की है। उन्होंने हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा का नारा लगाया है, जिसको लेकर हुई कहासुनी में जमकर पथराव हुआ है। मथुरा बरेली हाईवे पर वाहनों की तोड़फोड़ को देखते ही देखते बलराम गेट बाजार में भी उपद्रवियों ने पथराव किया और फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं और 1 की मौत हो गई है। 2 घायलों को जिला अस्पताल में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। 3 जनपदों से भारी संख्या में पुलिस बल व PSI और ARF की बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। देखते ही देखते ADG, DIG व कमिश्नर सभी अधिकारी कासगंज पहुंच गए हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं। जी, यहाँ पे जो बवाल हुआ है और 2 लोग गायब भी हैं, 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल तोड़फोड़ की है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, मैं अभी आया हूँ और घोष लेके आया हूँ। अभी ADG, IG, DIG सब लोग आने वाले हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी उनमें से एक भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, अनाचार किया है, पी प्लान एक झगड़ा किया है, गोली मरी है, एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया है और हमारे कई लोग अभी गायबी बताए जा रहे हैं। हम कुछ लोगों के नाम बता रहे प्रशासन को, उनको तुरंत उठाया जाए। कासगंज से फहीम खान की रिपोर्ट।